हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? और बारिश का मजा ले रहे हो ना सब लोग? बारिश आ रही है, कितना अच्छा लगता है। रेनी सीजन है ना, तो बारिश तो आएगी। तो आज हम क्या बनाना सीखेंगे? रेनी डे सीन। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं रेनबो। और पहला कलर हम लेंगे रेड कलर। ध्यान से देखिए, ये मैंने इस तरह से यहाँ पे इस तरह से कर्व बना दिया रेड कलर से। ठीक है, ऐसे एक कर्व लाइन लेंगे। और जो एक कर्व लाइन बनाई है, इसके साथ में ही हमें दूसरी कर्व लाइन बनानी है ऑरेंज कलर से। रेनबो में कितने कलर होते हैं आपको पता है ना? सेवन कलर है ना। तो हम यहाँ पर सेवन कलर से अपनी कर्व लाइन्स बनाएंगे। रेड के बाद ऑरेंज। क्लियर? जब ये ऑरेंज कलर से कर्व लाइन बन जाएगी, हम लेंगे येलो कलर। इस तरह से येलो कलर आ गया। ठीक है, येलो के बाद में ग्रीन। ग्रीन के बाद ब्लू। उसके बाद इंडिगो। उसके और लास्ट में आएगा पर्पल कलर। तो आपने देखा, ये हमने सेवन कलर बनाए हैं रेनबो की। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड पर्पल। ठीक है, अब हम यहाँ पर बनाते हैं क्लाउड्स। ब्लू कलर से हम कर्वी लाइन बनाएंगे, जैसे नंबर थ्री बनाते हैं ना, इस तरह से शुरू करेंगे और ऊपर भी इस तरह से। और ये मैंने एक क्लाउड बना दिया। ठीक है, सेम स्टेप करेंगे, एक और क्लाउड बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से कर्वी लाइन लेके एक और क्लाउड रेडी हो गया। ठीक है, अब इन क्लाउड्स को हम कलर करेंगे इस तरह से। जब बहुत तेज बारिश होती है ना, उस बारिश के बाद में रेनबो दिखाई देता है। किसी ने देखा है कभी रेनबो? कभी रेनबो दिखे तो बताइएगा। इस तरह से ये मेरे क्लाउड्स भी कलर हो गए। और अब हम बनाएंगे एक बेबी। ये देखिए, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पे टू डॉट्स लगा दिए। देखा था ना आपने बेबी बनाना, और स्लांटिंग लाइन इस तरह से। ठीक है, एक हैंड ये ऐसे ऊपर आएगा और एक हैंड ये ऐसे नीचे जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर देंगे, ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट्स को, स्टैंडिंग लाइंस बनाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में स्लीपिंग लाइंस। तो ये हमारे फुट रेडी हो गए। ठीक है, और ये बेबी को पहले एक ड्रेस कलर कर दें हम। आपको भी जो कलर अच्छा लगे वो कलर आप फिल कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। और फेस को कलर करने के लिए कोई भी लाइट शेड ले लीजिए, जो तो भी आपके पास अवेलेबल हो, बट लाइट शेड, डार्क नहीं लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम ले रहे हैं ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का बॉर्डर लाइन यूज करनी है। ठीक है, इस तरह से पूरा प्रेस नहीं करना है, सिर्फ बॉर्डर लाइन से। देखिए, इस तरह से ऐसे मैं स्टैंडिंग लाइन्स बना रही हूँ बॉर्डर को पकड़ के। ये देखिए ऐसे, तो ये हेयर्स आ गए ना ऐसे। ठीक है, और अब हम इसमें बनाएंगे आईज। ठीक है, ये आ गई आपकी नोज और स्माइली। ठीक है,
अब हम इस बेबी के हाथ में देंगे एक अम्ब्रेला। इस तरह से पहले स्टिक बनाएंगे और उसके बाद में यहाँ से हमें बनानी है इस तरह से वेवी लाइन, ठीक है, सो दैट हमारा अम्ब्रेला रेडी हो जाए। ठीक है, ये देखिए ऐसे इसमें लाइंस भी बना दीजिए। अब इसमें मैं कलर कर देती हूँ येलो कलर। ठीक है, आपको जो कलर अच्छा लगे उस कलर से अपने अम्ब्रेला रेडी कर दीजिए। मैंने ये येलो कलर किया है इसमें। ठीक है, येलो अम्ब्रेला हो गया ना। ठीक, और एक और काम करते हैं, यहाँ पे इनको बटन्स दे देते हैं रेड कलर के, है ना, इस तरह से। अब इसके बाद में हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, रेन ड्रॉप्स। इस तरह से थोड़ी सी छोटी छोटी स्लांटिंग लाइंस बना के, ठीक है, क्लाउड्स में से क्या रही है, रेन, है ना, इस तरह से स्लांटिंग लाइन छोटी छोटी सी, और हमारी ये रेन ड्रॉप्स तैयार हो गई। ठीक है, और जब रेन गिरती है तो नीचे क्या गंदा गंदा पानी सा आ जाता है ना, थोड़ा सा मटमैला मिट्टी आ जाती है, तो हम ये भी बना देते हैं थोड़ी थोड़ी जगह पे, है ना, और बीच बीच में ग्रास भी बना देंगे। ये हमारी यहाँ पे मड हो गई और बीच में ये थोड़ी थोड़ी सी ग्रास, ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाइए। तो देखिए हमारा ये रेनी डे सीन रेडी हो गया है ना। अच्छा, थैंक यू।